ये देखिए, ये गई हमारे मेट्रो। बाय मेट्रो। तो गाइस अभी हम आए हैं गुजरात के टॉप क्लास मॉल के अंदर, जो सबसे बड़ा मॉल है अल्फा 11। तो गोप्रो भी है अपने पास, मतलब सारा सेटअप रेडी है। अभी आप जैसे कि आपको बता देते। सो हेलो जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड गाइस। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी के दुआ प्यार से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज अजमेर टू महाराष्ट्र की हमारी साइकिल यात्रा को लगभग हो चुके हैं 9 दिन हो चुके हैं, और आज 9वें दिन हमने स्टे किया है विजय भाई साहब के घर पर, जो कि यहाँ पर फ्लैट में है आज हम। और यहाँ का जो ये अहमदाबाद है भाई, ये सारा आप देखिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही भयंकर वाला क्या नज़ारा है इस जगह का, और काफ़ी अच्छा लगा सब कुछ देखकर। तो यहाँ पर स्नान उनान किया, कपड़े वपड़े वॉश वगैरह सब कुछ हो गए हैं सारे कुछ। अभी हम जा रहे हैं विजय भाई साहब के ऑफिस पर, और वहीं पर थोड़ा जाके वीडियो वगैरह एडिट वगैरह और अपलोडिंग वगैरह सारा कुछ करेंगे। और आज यहीं स्टे करने वाला है। आज का दिन हमारा जो होने वाला है वो अहमदाबाद में होने वाला है। तो कुछ हसीन नज़ारे और कुछ हसीन चीज़ें दिखाने वाला हूँ मैं इस अहमदाबाद में। तो कुछ इस बात के वजह से ऐसे हम इतनी दूर से आए हुए, हमें हम राजस्थान से, और विजय भाई साहब सिर्फ एक दो पल की मुलाकात ने इतना पास में खींच लिया मैं, तो काफ़ी खुशी हुई चीज़ की। तो लेट्स अभी हम चलते हैं, और गुजरात वालों के लिए तो भाई दो लाइन बोलनी पड़ती है। गुजरात वाले भाई आदमी सच्चे हैं। सो लेट्स अभी चलते हैं, और बाकी बहुत कुछ बातें हैं। अभी हम आए थे विजय भाई साहब के छोटे दो फ्रेंड वगैरह के ऑफिस पे, और यहाँ से आप देखिए सिटी कितना बढ़िया सिटी है यार, ये तो बहुत बढ़िया सिटी देखी। सो वो अभी बैठे हैं हम विजय भाई साहब के ऑफिस में, और यहाँ उनका वेट कर रहे हैं, कहीं गए हुए हैं वो थोड़ा सा कुछ काम से। और ये आप ऑफिस देखिए कुछ ऐसा है, जिसकी ओपनिंग होने वाली है कुछ वक्त बाद में। अभी ओपनिंग नहीं हुई है इसकी, तो 1 महीने बाद में होगी, वरना बाकी काफ़ी अच्छा ऑफिस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ है यहाँ देखने लाइक, पेड़ वगैरह ग्रीन से ग्रीन से, ये और भी ज़्यादा। आप देख सकते हो कैंपिंग के लिए वैसे एक छोटा सा लाइटर आप देख सकते हो, ये विजय भाई साहब के पास में था, ये देखिए, और कितना भयंकर तरीका वाला है ये देखिए, और बहुत ही पावरफुल है ये। ये इसकी कॉस्ट आपको लगभग 600 से 700 रुपए की पड़ेगी, ये आप देखिए। और जो कि चार्ज होता है इसके साथ में, ये सब कुछ आएगा आपके साथ ये सेटअप। तो काफ़ी अच्छा लगा ये वाला लाइटर, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। अब कैंपिंग जो भी करता हो उसे मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा लाइटर ज़रूर लेके जाए, सबसे बढ़िया। और जैसे कि हाँ, प्लस वाटरप्रूफ है ये, इसके अंदर पानी की कोई समस्या नहीं है, मतलब पानी भी चला भी जाए तो चल जाएगा ये। और दूसरी चीज़ ये देखिए आप, ये बिटवीन का ये डिकैथलॉन का है, और पंप है ये, इसके अंदर मेज़र वगैरह सब कुछ है, ये आप कुछ देख सकते हो। और एकदम बढ़िया छोटा सा है, इसे ऐसे पंप को कैरी करने में आसानी होती है हमारे पास, जबकि बड़ा वाला है। लेकिन ऐसा पंप को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा लेवे, तो ये छोटा है, कैरी करने में भी आसान होगा। तो गोप्रो भी है अपने पास, मतलब सारा सेटअप रेडी है। अभी आप जैसे कि आपको बता देता हूँ मैं कि विजय भाई साहब भी वहाँ जाके आए थे केदारनाथ, सोलो राइड करके आए हैं, वो भी अपने हिमालयन लेके। तो ये भाई, ये गोप्रो तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा है, अच्छा शूट हो जाता है, जबकि मैंने देखा है बहुत अच्छा लगा। और कितने की कॉस्ट है? मतलब कि लगभग अभी के हिसाब से 6000 रुपये का हो गया होगा, लेकिन 5000 का मिल जाएगा आपको अच्छे से। पियानो वैसे मैंने तो नज़दीक से देखा नहीं है, लेकिन आज दिखा देता हूँ आपको। वो भी शिवम बजाने वाला है, बजाना शिवम। वाह बढ़िया लगा ये तो सारा कुछ, मतलब गुजरात में आके अनोखा अनोखा देखने को मिल रहा है।
तो गाइस अभी हम आए हैं गुजरात के टॉप क्लास मॉल के अंदर, जो सबसे बड़ा मॉल है अल्फा 1-1, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये चारों तरफ से इतना बड़ा मॉल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड हैंड चीज़ें मिलती है जो कि मॉल के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने गोप्रो है 17,500 में, और वगैरह वगैरह कैमरे वगैरह, टेबलेट, लैपटॉप, मोबाइल्स और गेमिंग, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इतना लजीज, इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं, इतना बड़ा मॉल है ये। आपको जैसे कि आप देख सकते हो सामने, भाई साहब जैसे कि आप देख सकते हो ऑटोमेटेड पियानो है यहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने आपको घर पे दिखाया, ये देखिए आप बटन्स, और काफ़ी कुछ है इस जगह पे जैसे कि आप देख सकते हो। बस 15 अगस्त आने वाली है, और 15 अगस्त आने की वजह से देख लो यहाँ पर कितना गजब डेकोरम किया गया है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल वाला डेकोरम है। और यहाँ का जो मॉल देख सकते हो कितना बड़ा है, और वैसे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी है, पर इतना कुछ मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो घूमना पहले है। तो गाइस अभी हम हैं अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में मैं कल शाम से यहीं हूँ, और विजय भाई साहब से मैंने कॉल पे पहले ही बात कर ली थी जब से मैं ट्रिप पे नहीं निकला था। और अभी अब मैं आपको बता देता हूँ विजय भाई साहब कहाँ मिले, आप ही बता दीजिए मुझे। हेलो गाइस, एक्चुअली हम जब केदारनाथ की राइड पे थे, सॉरी केदारनाथ की राइड पे तो पहले अगले साल से केदारनाथ गए थे, तो वहाँ पे बाइक की मुलाकात हुई थी, रुद्रप्रयाग में, तो वहाँ से अपनी दोस्ती शुरू हुई है। तो मैंने बोला कि गुजरात आने का मन है, तो आओ अभी हमारे गुजरात में आ गए, तो गुजरात में अहमदाबाद में तो कर रहे अभी तो, और फिलहाल अभी हम यहाँ गुजरात के सबसे बड़े मॉल अल्फा 1 में वहाँ पर है, भाई को भी घुमा रहे, अभी हमारे मेहमान बने हुए हैं, और भाई मेहनत भी अच्छे करते हैं। तो भाई अभी मैं आपको बता, अल्फा 1 जो कि गुजरात का सबसे बड़ा मॉल है, जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हो, यहाँ से वहाँ तक, और ये घुमा के मतलब कि काफ़ी बड़ा मॉल है, मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतना बड़ा मॉल है। तो मैं अभी इसके अंदर बहुत कुछ तो शूट नहीं कर पाया, लेकिन आप अगर खुद आए तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए आपका क्या कहना है कि घर से आदमी को बाहर निकलना चाहिए या नहीं चाहिए? निकलना चाहिए, दुनिया बहुत कुछ देखने लायक है, बाहर निकलो, घूमो, एंजॉय करो। इंडिया इतना कुछ है देखने लायक, अगर आप आओगे यहाँ पर तो बहुत कुछ देखने को, नया नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया नया देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैं गुजरात में आया हूँ, जब से मतलब कि कल परसों से 2-3 दिनों से मैं गुजरात में एंटर कर चुका हूँ, अहमदाबाद में कल आ चुका था मैं, और यहाँ पे आने के बाद में बहुत कुछ ऐसा कुछ सीखने को मिला है। जैसे विजय भाई साहब के घर पे मुझे खाना खाने को मिला, लेकिन वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल खाना खाने को मिला है, जो मैंने कभी भी नहीं खाया। तो हमारी मेहमान नवाजी है, अभी जब भी विजय भाई साहब हमारे घर पर आएँगे तो फिर हम भी अपने तरीके से जो खाना बनाते हैं ना, वो खाना खिलाएंगे। तो गाइस बने रहिए, बहुत बंदा सही में बहुत मेहनत कर रहा है। यहाँ का मौसम आप देख सकते हो, आज का मौसम कैसा है, वहाँ पीछे धूप है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सामने बारिश है बहुत ज़्यादा वाली। कल तक तो सब ठीक चल रहा था, अभी एकदम से बारिश आई, 2 बार हो चुका है ऐसा। यहाँ सामने देख सकते हो कि ये अहमदाबाद का ट्रैफिक है, जो कि भाई ये देखिए, और बहुत ही ज़्यादा वाला, क्योंकि दूर तक है। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो के लिए, और हमें क्यूटी सिटी जाना है, तो हम ना पूछ रहे हैं कि मेट्रो ले लें बाइक से, क्या के थोड़ा भीड़ भड़क्का बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप मेरे नीचे देख सकते हो ट्रैफिक इतना भयंकर वाला। तो ऐसे ट्रैफिक से सर्वाइव करने से अच्छा है कि हम मेट्रो से चलें। तो गाइस ये रही हमारी मेट्रो, और ये मेट्रो स्टेशन है इस तरीके का, तो लेट्स अभी जाने वाली है मेट्रो। ये देखिए ये गई हमारी मेट्रो, बाय मेट्रो। फर्स्ट टाइम इतना काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी मेट्रो में इस बार, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे मेट्रो में। जल्दी चलते हैं।
हमें यहाँ पे ऐसा टोकन मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो, और इसे पर देखो कितना बढ़िया लग रहा है गाइस। ये देखिए ये वॉलपेपर कितना बढ़िया बड़ोदरा का है ना, एक नंबर। थोड़ा सा काम था तो इनके साथ में आ गए हैं, थोड़ा अहमदाबाद में घूमने का मौका मिला है इस बार, तो मौका कैसे छोड़ सकते हैं, पूरे मजे करा रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं वाटपक से एक दूसरी सिटी में, और अहमदाबाद का मार्केट ये है। अब देखिए यहाँ से ये मार्केट है, और फिलहाल हम पैदल पैदल चल रहे हैं। ये देखिए, देखते जाना आपको मैं अच्छा कुछ मार्केट, और ये मेन सिटी है, तो यही मेन सिटी है जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए यहाँ की जो मार्केट है, ये रतनपुर, भैया जी भी हमें मिले हैं। तो क्या नाम है भैया जी आपका? मुकेश सोनी। मुकेश सोनी भैया जी सुना रहे, भैया जी से कांटेक्ट कर सकते हो आप जो भी कोई डिजाइन चाहिए तो। गांधीनगर मानक चौक, गांधी चौक है, गांधी रोड और मानक चौक में है। और यहाँ पे स्टेशनरी की एक बड़ी, बहुत ही बड़ी वाली मार्केट है जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे, और इधर देखिए, और यहाँ पर बहुत सारी है, मतलब एक नहीं अनेकों ऐसी मार्केट मिलेगी। बर्तन की है तो बर्तन की बहुत बड़ी मार्केट, और जैसे ज्वेलरी की है तो ज्वेलरी की बहुत बड़ी मार्केट। तो यहाँ पर मार्केट एक नंबर है। जैसे भाई यहाँ की हम एक स्पेशल गाय पी रहे हैं वो वाली में भैया जी के साथ में, ये भी राजस्थान से हैं तो देख लो। अभी ना हम वापस आ चुके हैं थोड़ी सी देर में, और हमने कि ये सामान वगैरह लिया है थोड़ा सा भैया ऑफिस के लिए। तो देखो ये है, लेट्स अभी मेट्रो में चलते हैं वापस से जल्दी से। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं मेट्रो का, और अभी थोड़ी सी देर में हमारी मेट्रो आने वाली है, और फिर वापस से रिटर्न चलते हैं हल्तेज, और फिर वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मीटअप है तो वहाँ मीटअप करते हैं। तो जैसा कि ये देख लो मेट्रो स्टेशन ऐसा है, बहुत ही बढ़िया वाला है। हम अपनी हिमालयन लेके निकल चुके हैं भाई, और हिमालयन में भाई क्या वाइब आती है आपको बता देता हूँ मैं। भाई मजे हैं हिमालयन में, जो मजे है ना वैसे क्लासिक का और थंडरबर्ड वगैरह वगैरह गाड़ी का किसी में भी वो मजे नहीं है जो हिमालयन में। अगर कभी मौका मिलेगा तो हम हिमालयन ही लेंगे, कभी मिल जाएगी हमें सही। तो अभी देखो आप अहमदाबाद का नाइट व्यू, तो ये अपने भाई है, तो ये भी राजस्थान से ही है गाइस, देख लेना। तो गाइस अभी बैठे हैं हम ये कौन सा पास के पास कैफे में, और विजय भाई के फ्रेंड्स हैं। तो ये भैया आप? हाय अयाज ओसामा। हाँ भैया से तो नरेश, मुकेश, प्रीत, शैलेश। अच्छा
तो वैसे काफ़ी अच्छा लगा मुझे इन सब से मिलके, और गुजरात वालों से अलग ही मोहब्बत है। जैसे केदारनाथ में मिले थे और फिर गुजरात में मिले थे, गुजरात से तो बहुत मोहब्बत मिल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा वाली। तो काफ़ी अच्छा लगा इन सब से मिलके, और आई होप कि हम वापस से जल्दी मिलेंगे, क्योंकि आज की हमारी लास्ट नाइट होने वाली है इस जगह की, फिर हम आगे निकल जाने वाले हैं। तो थैंक यू आप सभी से मिलने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप सभी से मिलके। ये काका है, काका बोलेंगे इनको।